डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, तुम्हारा जो चैप्टर सिक्स है जिसका हेडिंग था नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वो चैप्टर मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन उसका जो मैंने होमवर्क दिया था वो होमवर्क जब मैंने चेक किया तुम लोगों का कुछ नहीं हुआ, यू हैव नॉट अंडरस्टूड द चैप्टर एट ऑल। इसीलिए ये नॉन फाइनाइट वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर को मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ, थोड़ा गौर से देखो, थोड़ा गौर से समझो, ठीक है। तो मैं पहले हेडिंग लिखता हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, थोड़ा मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ और बात को समझने का कोशिश करो, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो और बात को समझने का कोशिश करो। ऐसा कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है कि सारा का सारा तुम लोगों ने गलत कर दिया। तो देखो ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, पहले मैं इसको समझा रहा हूँ कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। मान लो एक सेंटेंस है, द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। देखो इस द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, इस सेंटेंस में क्रियावाचक शब्द क्या है, व्हाट इज द वर्ब, इज प्लेइंग, ये वर्ब हो गया। इसका मतलब क्या है हिंदी में, लड़का, सॉरी, इसका हिंदी में मतलब क्या है, लड़का फुटबॉल खेल रहा है, लड़का फुटबॉल खेल रहा है। देखो ये जब हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो समझ में आता है कि ये काम चल रहा है, मतलब इसका टाइम क्या है, खेलने का ये काम जो कर रहा है उसका टाइम क्या है, अब है, अब ये काम चल रहा है, ये समझ में आता है। अगर हम लिखे ही सॉ मी, तो मतलब क्या है, ही सॉ मी मतलब उसने, सॉरी, ही सॉ मी मतलब क्या है, उसने मुझे, उसने मुझे देखा था। देखो ये सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं उसने मुझे देखा था, तो पता चलता है कि उसका जो यहाँ पे वर्ब क्या है, देखा था, देखना। तो ये जब पढ़ते हैं कि उसने मुझे देखा था, तो समझ में आता है कि उसका जो मुझे देखने का काम है ये ऑलरेडी हो चुका है। तो ये जो वर्ब है सॉ, इस वर्ब का भी एक टाइम समझ में आता है। जब हम लिखते हैं सॉ देखा था, तो समझ में आता है कि ये काम हो चुका है। अगर हम लिखेंगे आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, देखो यहां पे वर्ब क्या है, विल गो, हिंदी क्या होगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। तो देखो समझ में आता है कि मेरा जो जाने का काम है ये हुआ नहीं है, ये होने वाला है। देखो कोई भी वर्ब जो पढ़ने पर एक टाइम समझ में आता है कि ये काम हो रहा है या होने वाला है, हो चुका है, कोई भी वर्ब वाक्य में जिसको पढ़ने से एक टाइम का मतलब समझ में आता है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब सेंटेंस में पढ़ने से उसका टाइम समझ में आता है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। अब देखो मान लो अगर हम एक सेंटेंस लिखे आई लव टू ईट, आई लव टू ईट एप्पल्स, अतः हिंदी हो जाएगा मुझे सेब खाना, मुझे सेब खाना बहुत पसंद है। अब एक चीज गौर से देखो, ये खाना, मुझे सेब खाना, सिर्फ अगर कहेंगे मुझे सेब खाना पसंद है तो यहाँ पे कुछ समझ में आता है कि मैं खा रहा हूँ, खाने वाला हूँ, खा चुका हूँ, ऐसा कुछ समझ में आता है, नहीं। तो जो वर्ब के साथ टाइम का सेंस नहीं होता है उसको कहते हैं इनफाइनाइट। जो वर्ब के साथ टाइम का सेंस नहीं होता है उसको कहा जाता है इनफाइनाइट वर्ब। तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम लोग इनफाइनाइट वर्ब का बारे में
पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि कोई भी सेंटेंस में है बोलो ना এখন আমি একদম পাচ্ছি না পরে রাখলাম আরে রাখো আমি ভিডিওর মাঝখানে কথা বলছি পরে কথা বল আচ্ছা দেখো সবসে পহলে মে সিখানে বালা হুম কি কোই ভি সেন্টেন্স মে হাম ইনফাইনাইট ভার্ব কেসে পেচানেঙ্গে বহুত ইজি হ্যায় মুঝে পতা নি হ্যায় কি তুম লোগ কো ইয়ে সব মে ভি কেসে ডিফিকাল্টি হো রাহা देखो ये इनफाइनाइट वर्ब जो है ये तीन तरीके के होते हैं। इनफाइनाइट वर्ब तीन तरीके के होते हैं। क्या क्या तीन तरीका? नंबर वन, इन नंबर वन मैं ही थोड़ा गलत बोला, सॉरी मुझे माफ कर देना। ये जो वर्ब होता है ये फाइनाइट होता है और इसको इनफाइनाइट नहीं बोलते हैं। जो वर्ब का टाइम का सेंस नहीं होता है, जो वर्ब में टाइम समझ में नहीं आता है, उसको इनफाइनाइट नहीं बोलते हैं। सॉरी इसको मैं रब कर देता हूँ। जो वर्ब का टाइम का मीनिंग नहीं है उसको इनफाइनाइट नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट। सो फाइनाइट और जो वर्ब पढ़ के टाइम समझ में आता है उसको बोलते हैं फाइनाइट, जो वर्ब बोल पढ़ के टाइम समझ में नहीं आता है उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट। तो आप देखो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार के हैं। सेंटेंस में देख के ही पता चल जाता है, बहुत आसानी से पता चल जाता है। क्या क्या देखो, सबसे पहले तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो तीन प्रकार के हैं। क्या क्या? सबसे पहले इनफाइनाइट, सबसे पहले इनफाइनाइट। दो नंबर पार्टिसिपल, दो नंबर पार्टिसिपल। तीन नंबर जिरंड, तीन नंबर क्या है? जिरंड। तो नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वर्ब, फाइनाइट नॉन फाइनाइट। फाइनाइट कौन सा वर्ब? जो वर्ब पढ़ के टाइम समझ में आता है, अर्थात काम हो रहा है, होने वाला है, हो चुका है, ये बात समझ में आता है, वो क्रियावाचक शब्द, वो वर्ब होता है फाइनाइट। जो वर्ब पढ़ के उसका टाइम समझ में नहीं आता है वो होता है नॉन फाइनाइट। अब देखो ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, इनफाइनाइट, पार्टिसिपल, जिरंड। अब इनफाइनाइट वर्ब कैसे पहचानोगे? बहुत ईजी है। इनफाइनाइट वर्ब के पहले हमेशा टू होता है, तो कोई भी वर्ब जैसे टू ईट, टू गो, टू प्ले, टू वॉक, यानी कि कोई भी वर्ब के पहले अगर टू होगा तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट वर्ब। आई लव टू ईट चॉकलेट्स, तो टू ईट इनफाइनाइट वर्ब। ही लव्स टू वॉच मूवीज, टू वॉच इनफाइनाइट वर्ब। I told him to come here. मैंने बोला उसको यहाँ आने के लिए, to come here, to come, infinite verb. तो कोई भी verb के पहले to बैठेगा वो infinite verb हो जाएगा। अब आता है देखो participle. Participle दो चीज होता है, एक ing verb, ing verb without is was am are were before it। मतलब कोई भी सेंटेंस में अगर तुम ऐसा कोई शब्द पाओ, ऐसा कोई वर्ब पाओ जो ing है, eating, playing, walking, sleeping, और उसके पहले is, was, am, are, were बैठा ना हो तो वो participle होता है। जैसे देखो द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, यहाँ पे फ्लाइंग के पहले इज है तो ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन अगर हम कहें आई सॉ अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, यहाँ पे फ्लाइंग है लेकिन इसके पहले इज वॉज एम आर वेयर नहीं है तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है? पार्टिसिपल। दूसरा पार्टिसिपल क्या होता है?
वर्ब इन थर्ड फॉर्म, वर्ब इन थर्ड फॉर्म विदाउट विदाउट इज वॉज एम आर वेर हैव हैज हैड बिफोर इट। देखो क्रियावाचक शब्द का तीन भाग होता है, क्या क्या तीन भाग होता है? प्रेजेंट फॉर्म मतलब सी, पास्ट फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन। कोई भी वर्ब का तीन फॉर्म होता है, जैसे देखो ब्रेक अगर ले ले, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, थर्ड फॉर्म हो गया ब्रोकन। ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म हो गया। प्ले प्लेड प्लेड, वॉक वॉक्ड वॉक्ड, बाई बॉट बॉट, कोई भी वर्ब का थर्ड थ्री फॉर्म्स होता है। अब मानो एक सेंटेंस है, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। यहां पर देखो ये ईटन जो है ऑब्वियसली ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म वर्ब का है, इसके पहले हैव है। तो ये जो वर्ब है हैव ईटन, ये हो गया फाइनाइट वर्ब, ये हो गया फाइनाइट वर्ब। लेकिन मान लो सपोज एक सेंटेंस है, मान लो एक सेंटेंस है, ओके अब देखो मान लो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आई लव्ड, मुझे बहुत पसंद आया द केक ईटन यस्टरडे, कल खाया गया केक मुझे बहुत अच्छा लगा। यहां पे देखो ईटन है वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन ये वाला जो ईटन है क्या इसके पहले हैव हैज हैड इज वॉज एम आर वेर है क्या? नहीं है। तो कोई भी वर्ब जब थर्ड फॉर्म में होगा और उसके पहले हैव हैज हैड इज वॉज एम आर वेर नहीं होगा तो वो हो जाएगा नॉन फाइनाइट। कौन सा नॉन फाइनाइट? पार्टिसिपल। अंडरस्टूड? अब देखो अब हम लोग आ रहे हैं थर्ड नॉन फाइनाइट में। तीसरा नॉन फाइनाइट इज जिरंड। जिरंड क्या है? जिरंड ऑल्सो होता है आईएनजी वर्ब विदाउट, आईएनजी वर्ब विदाउट इज वॉज एम आर वेर बिफोर इट। देखो उसका मतलब क्या हो गया, कोई भी सेंटेंस में तुम्हें अगर एक आईएनजी वर्ब मिलेगा जिसके पहले इज वॉज एम आर वेर है तो वो हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। अगर कोई सेंटेंस के अंदर आईएनजी वर्ब हो जिसके पहले इज वॉज एम आर वेर नहीं है, आईएनजी वर्ड जिसके पहले इज वॉज एम आर वेर नहीं है वो हो जाएगा नॉन फाइनाइट। कौन सा नॉन फाइनाइट? पार्टिसिपल भी हो सकता है, जिरंड भी हो सकता है। अब हम कैसे पहचानेंगे, गौर करो। सपोज एक सेंटेंस है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। देखो इस सेंटेंस में वर्ब है वॉकिंग, मैंने तुम लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट निकालना सिखाया। सब्जेक्ट कहाँ आता है? वर्ब के पहले। सब्जेक्ट निकालने के लिए वर्ब को सवाल किया जाता है हु या व्हाट, कौन या क्या। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए वर्ब को सवाल किया जाता है
हुम या वॉट, किसको या क्या। अब देखो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, सवाल करो वॉट इज अ गुड एक्सरसाइज, आंसर क्या है वॉकिंग, तो ये सब्जेक्ट हो गया। वॉकिंग इज वॉट, वॉकिंग क्या है, अ गुड एक्सरसाइज, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। देखो ये है वॉकिंग आईएनजी वर्ड, जिसके पहले इज वॉज एम आर वेर नहीं है, जिसके आगे पहले इज वॉज एम आर वेर नहीं है, तो आईएनजी वर्ड जिसके पहले इज वॉज एम आर वेर नहीं होता है वो नॉन फाइनाइट होता है, या तो पार्टिसिपल होगा नहीं तो जिरंड होगा। अगर कोई आईएनजी वर्ड जिसके पहले इज वॉज एम आर वेर नहीं है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो वो जिरंड होता है, वो क्या होता है, वो जिरंड होता है। तो ये वॉकिंग जो है ये जिरंड है। मान लो एक सेंटेंस है, वी लाइक रीडिंग, देखो लाइक हो गया वर्ब, हु लाइक्स, वी लाइक सब्जेक्ट, वी लाइक व्हाट रीडिंग ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखो आईएनजी वर्ड है, इसके पहले इज वॉज एम आर वेर नहीं है, तो मतलब ये भी नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट कौन सा नॉन फाइनाइट है ये, देखो अगर कोई आईएनजी वर्ड जिसके पहले इज वॉज एम आर वेर ना हो अगर वो ऑब्जेक्ट में आता है वो भी जिरंड होता है। तो देखो जब भी कोई आईएनजी वर्ड सेंटेंस में हो जिसके पहले इज वॉज एम आर वेर ना हो तो वो पार्टिसिपल भी हो सकता है, वो जिरंड भी हो सकता है। अगर ऐसे वर्ड्स, अगर ऐसे शब्द सब्जेक्ट में आता है या ऑब्जेक्ट में आता है तब वो हो जाता है जिरंड। मान लो एक सेंटेंस है, आई सॉ अ बॉय रनिंग इन द फील्ड, आई सॉ अ बॉय रनिंग इन द फील्ड, मैंने एक लड़का को देखा खेत में भागते हुए। देखो यहां पर रनिंग है आईएनजी, लेकिन इसके पहले इज वॉज एम आर वेर नहीं है, तो मतलब ये होगा नॉन फाइनाइट। कौन सा नॉन फाइनाइट, या तो पार्टिसिपल होगा नहीं तो जिरंड होगा। अब हमको निकालना है कि ये पार्टिसिपल है कि जिरंड है। देखो वर्ब है सॉ, हु सॉ आई सब्जेक्ट, आई सॉ हुम अ बॉय ऑब्जेक्ट, मतलब ये वाला जो आईएनजी है ये ना तो सब्जेक्ट है ना तो ऑब्जेक्ट है। तो जब कोई आईएनजी वर्ड जिसके पहले इज वॉज एम आर वेर नहीं है अगर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं आता हो तब वो पार्टिसिपल होता है, और अगर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तब वो जिरंड होगा। बस एज सिंपल एज दैट, इतना ही है। तो दोबारा मैं एक्सरसाइज दूंगा जहां पे तुमको सेंटेंस में जिरंड, पार्टिसिपल और इनफाइनाइट निकालना पड़ेगा। अब देखो मैं तुम्हारे बुक में आता हूँ, चैप्टर 6 तुम्हारे बुक में जो बोला गया है उसमें दो चार चीज मैं वहां से दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। ओके, तुम्हारे बुक में देखो सबसे पहले जो यहां पर है, यहां पर हमें क्या करना है कि ये जो वर्ब है ये सारे वर्ब्स को इन्फिनेटिव बनाकर ब्लैंक को भरना है। इन्फिनेटिव बना के मतलब इन्फिनेटिव में क्या होता है, वर्ब के पहले टू लगता है। तो देखो वुड यू लाइक डैश सम गिफ्ट्स फ्रॉम द शॉप, तो वुड यू लाइक, क्या इस शॉप से कुछ गिफ्ट्स खरीदना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा टू बाई, बाकी का ब्लैंक तुमको भरना है। ये होमवर्क है, घर में करके रखोगे, बुधवार करके फोटो उठा के मुझे व्हाट्सएप में भेजोगे। इसके बाद देखो, अच्छा अब देखो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में कुछ कुछ वर्ब्स होता है जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है मतलब उसके पहले टू लगाना है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस में हम इन्फिनिटिव लगाते हैं लेकिन उसके पहले टू नहीं लगता, इसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं इसको, बेयर इन्फिनिटिव। देखो समटाइम्स द इन्फिनिटिव फॉर्म इज यूज्ड विदाउट द टू, बिना टू का कभी कभी हम लोग इन्फिनिटिव फॉर्म यूज कर लेते हैं, इसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो बेयर इन्फिनिटिव हम लोग कहाँ यूज करते हैं, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट,
इत्यादि जो ऑक्सिलरी वर्ब है इनके तुरंत बाद अगर जो वर्ब आता है उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। मान लो यहां पे देखो मस्ट है, उसके बाद वर्ब आया है, तो ये वर्ब जो है ये बेयर इन्फिनिटिव है। इफ आई से आई कैन प्ले, तो देखो ये प्ले कहां पे आया है, कैन के पीछे आया है, तो ये हो गया बेयर इन्फिनिटिव। तो बेयर इन्फिनिटिव भी निकालना बहुत ईजी है। देखो डेयर नॉट गो, डेयर है, डेयर इसके पहले नॉट, यहां पे मैं लिस्ट में ये भी ऐड कर देता हूं डेयर। तो शैल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट नीड और डेयर मस्ट, ये जो शैल शुड कैन कुड, शैल शुड कैन कुड विल वुड नीड मस्ट डेयर, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है इनके तुरंत बाद जो वर्ब यूज होते हैं वो हमेशा बेयर इन्फिनिटिव होता है। कभी कभी कोई कोई सेंटेंस में दो वर्ब एक दूसरे के बाद में आता है, जैसे देखो द टीचर मेड अस राइट, मेड भी है राइट भी है, तो ये दूसरा जो वर्ब है ये बेयर इन्फिनिटिव है। यहां पे देखो जया सॉ द कार डिसअपीयर, जया ने देखा गाड़ी गायब हो गया, लगातार दो वर्ब है तो दूसरा वर्ब जो है वो बेयर इन्फिनिटिव है। तो बेयर इन्फिनिटिव क्या है, कभी कभी कोई कोई वर्ब इन्फिनिटिव का काम करता है लेकिन उसके पहले टू लगाया नहीं जाता, नॉर्मली इन्फिनिटिव के पहले टू होता है। तो बेयर इन्फिनिटिव भी निकालना काफ़ी ईजी है। देखो अगर कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट मस्ट नीड और डेयर, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है इनके तुरंत बाद जो वर्ब यूज होता है वो बेयर इन्फिनिटिव होता है। और अगर कोई सेंटेंस में दो वर्ब लगातार यूज होता है तो दूसरा जो वर्ब है वो भी बेयर इन्फिनिटिव होता है। तो अभी तुमको क्या करना है, ये वाला जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज बी, यहाँ पर तुम्हें सही बेयर इन्फिनिटिव लगाकर तुमको इस यहाँ से एग्जांपल्स यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उससे सही बेयर इन्फिनिटिव लगाकर ब्लैंक को भरना है। लेकिन मैं घर में तुम लोगों को करने के लिए एक एक्सरसाइज आज मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें मैं ये एक एक्सरसाइज दूंगा कि इन्फिनिटिव निकालो, बेयर इन्फिनिटिव निकालो, जिरंड निकालो, पार्टिसिपल निकालो, ये एक एक्सरसाइज मैं तुम लोगों को करने दूंगा। अब देखो आईएनजी फॉर्म मैंने बता दिया, अब तुमको क्या करना है ये मैं दोबारा नहीं जा रहा हूँ, अब तुमको यही जो वर्ब है इन वर्ब्स को आईएनजी करके ब्लैंक भरना है। ओके, अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, जिरंड्स आर यूज्ड फॉर राइटिंग नोटिसेस और, अच्छा ये नहीं करना है छोड़ दो, इसको नहीं करना, लीव इट। ओके, अब देखो यहां पर कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किया गया है, तुमको बताना है कौन सा वर्ड जिरंड है, कौन सा वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अर्थात पार्टिसिपल है, कौन सा वर्ड पार्टिसिपल है, कौन सा वर्ड जिरंड है, तुमको बताना है। तो ये वाला एक्सरसाइज तुमको करना है। और एक्सरसाइज जी देखो, एक्सरसाइज जी में क्या करना है, अच्छा एक्सरसाइज जी छोड़ दो ये दरकार नहीं। तो ये वाला जो चैप्टर है इस चैप्टर से तुम्हें एक्सरसाइज एफ, एक्सरसाइज एफ करना है, एक्सरसाइज सी करना है, एक्सरसाइज बी करना है, ठीक है, और एक्सरसाइज ए करना है। ये एक्सरसाइजेस करके बुधवार के अंदर कॉपी में क्वेश्चन लिख के आंसर लिखोगे, कॉपी में क्वेश्चन लिख कर आंसर लिखोगे और बुधवार शाम तक वो पेजेस का फोटो उठा के मुझे व्हाट्सएप में भेजोगे। आई विल चेक इट ऑन वेनेसडे इवनिंग एंड आई विल सेंड यू ऑन थर्सडे, मत भूलना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ये वाला चैप्टर, थैंक यू।